हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आलू परवल की ग्रेवी वाली सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम बिना लहसुन प्याज का बना के दिखाएंगे। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही जबरदस्त लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए, आज हम आलू परवल की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। आलू परवल सब्जी हम बिना लहसुन प्याज का बनाएंगे और ये बहुत सिंपल और बहुत ही जायकेदार तैयार होगी। तो सबसे पहले हम सब्जी को छिलके हटा के धो के सुखा लिए हैं। अब हम आपको काटना बताएंगे। तो हम एक दूसरा प्लेट ले लेंगे और इसमें हम पहले आपको आलू काटना बता दे रहे हैं। तो आलू को हम बीच से ऐसे दो पीसेस कर लेंगे, फिर इसके हम पतले पतले पीस करेंगे। क्योंकि ये बड़ी आलू है, छोटी आलू हो तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक आलू में से छोटे छोटे ऐसे पीसेस करेंगे। ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हम सभी आलू को काट लेंगे। हमने आलू को एक ही साइज का काटा है। एक साइज की आलू कटने का मतलब है कि सभी सब्जियां एक साथ अच्छे से पक जाती हैं। अब हम आपको परवल काटना बताएंगे। तो हमने परवल के छिलके हटा लिए हैं, दोनों पॉइंट को काट दिया है। अब हम इसको बीच से ऐसे कट लगाएंगे। परवल कई तरह से काटा जाता है, लेकिन ये मेरा तरीका है। तो उसके हमने दो टुकड़े किए और इसके बाद हम इसके बीचों बीच चीरा तो लगाएंगे, पर ये लास्ट वाली जो पॉइंट है उसको ज्वाइंट रखेंगे। ऐसे ही हम सभी परवल को काट लेंगे। हम दूसरा परवल भी बता दे रहे हैं। बीचों बीच हमने काटा, उसके दो टुकड़े किए, फिर उसके बीच से हमने चीरा लगाया। ऐसा करने से क्या होता है, सब्जी फ्राई कीजिए तो अच्छे से फ्राई होता है, ग्रेवी में डालिए तो अच्छे से ग्रेवी अब्जॉर्ब करता है। तो चलिए, हम बाकी के भी परवल काट लेते हैं। तो हमने सभी परवल को काट लिया। अब चलिए, हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाही रख लिया है, गैस को ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तो आप जो भी तेल खाते हैं वो ले लीजिए। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम उसमें डालेंगे जीरा। जीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे। जीरा चटक चुका है, उसका कलर देख सकते हैं, ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को स्लो करके ही परवल डालेंगे, नहीं तो तेल उड़ता है। तो हम धीरे धीरे परवल को किनारे से ऐसे छोड़ देंगे और चलाते हुए इसे हम 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। यानी कि हमको परवल को सॉफ्ट होने तक भूनना है और बीच बीच में चलाते रहना है। परवल को हमें बीच बीच में चलाते रहना है। परवल को चलाते हुए हमें 5 मिनट तक भूनना है। आपको दिखा रही हूँ, परवल जो है दोनों साइड से अच्छे से भून चुका है। आप देख सकते हैं कि परवल में ऐसे ऐसे धब्बे आए हैं भूनने जैसा। अब हम इसी के साथ ये कटा हुआ आलू भी भूनेंगे। तो इसे भी हम 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। तो
इसे हमें बीच बीच में चलाते ही भूनना है। मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से भूनेंगे। आलू डालने के बाद हम अब इसे कवर करते हुए भूनेंगे, जिससे कि आलू अपनी पकती रहेगी। तो हम इसके ऊपर कवर करके और दो दो मिनट पे चला चला के पकाएंगे। ढक्कन हटा हटा के हम आलू को फ्राई किए हैं। ऐसे हमने चलाते हुए आलू को फ्राई किया है। परवल आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। आलू परवल फ्राई हुआ है, अब हम इसे एक चम्मच से एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा तेल हम इसी में रहने देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया परवल आलू फ्राई हुई है। ऐसे फ्राई की हुई आलू परवल की सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। अब जो तेल बची है उसी में हम एक चम्मच और तेल डाल देंगे और उसमें हम फोरन डालेंगे। तो फोरन में हम कड़ी पत्ता, अदरक जिसे हमने लंबे लंबे काट लिया है, हरी मिर्च जिसे हमने पीस से दो टुकड़े में कर लिया है, अब हम इसे एक बार चला लेंगे और इसमें हम टमाटर डालेंगे जिसे हमने बारीक काट लिया है और इसे हम एक मिनट तक कैनी सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब हम इस स्टेज पे मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, दो चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आप अपने तीखा के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए, एक चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करके और भूनेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाला भूनेंगे, तभी जाके ग्रेवी जो है बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। मसाला ड्राई थी तो हम थोड़ा सा पानी डाल के और ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। जब हम ग्रेवी वाली परवल बनाते हैं तो ग्रेवी को अच्छे से तैयार किया जाता है। हमें तो बिना लहसुन प्याज की तैयार करनी है, तो हम टमाटर के साथ मसाले को बहुत ही बारीकी से भूनेंगे, तब जाके ये ग्रेवी वाली सब्जी टेस्टी तैयार होगी। आप देख सकते हैं अपनी टमाटर जो है मसाले के साथ एकदम मिक्स हो गई है, तो ये ग्रेवी बहुत टेस्टी लगेगी। अब इस स्टेज पे हम फ्राई किया हुआ आलू और परवल डाल देंगे और इसे हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट हम मसाले के साथ इसे भून लेंगे। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। मसाले के साथ हमने सब्जी भून लिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो हमें पानी अंदाज से डालना है, हमें ग्रेवी की थिकनेस कैसी चाहिए ये हम देख के रस्सा डालेंगे। तो हम इसमें 1.5 गिलास पानी डाल रहे हैं, क्योंकि पकने के बाद थोड़ी सी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाती है और ये पूरी के साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो अब हम सब्जी को मिक्स कर लिए, अब हम कवर करके इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे तेज फ्लेम पे, फिर आपको बताएंगे। चलिए हम सब्जी को सर्व करते हैं।
तो हम एक बॉल में इसे निकालेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बना है, इसे आप पूरी पराठे चावल के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। ऐसी सब्जी पहले आपने नहीं बनाया होगा। चलिए अब हम धनिया पत्ता से गार्निश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आलू परवल की सब्जी तैयार हुई है, जिसे हमने बिना लहसुन प्याज का ग्रेवी वाली बना के दिखाया है। ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और बनाना उतना ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।